हाय दोस्तों, हर हर गंगे नमामि गंगे, आप सबका हार्दिक स्वागत है रमेश कुमार रूबी ब्लॉग्स में। अभी आप लाइव दर्शन कर रहे हैं मनसा देवी की टेंपल का, और इसमें काफ़ी सारे कमेंट थे मनसा देवी की रोपे की मार्ग बंद है या चालू है, रोपे के साथ पैदल मार्ग में जो लैंडस्लाइड हुआ था उसका क्या दृश्य है। तो अभी हम आपको थोड़ी जानकारी तो पहले मनसा देवी के बारे में ही देंगे। देख रहे हैं वहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था, वो यहाँ से देखा जा सकता है, और जो लैंडस्लाइड है उसके बाद से यात्रा सुचारू रूप से चालू हो चुका है, तो किसी पर कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सावधानी रखें यात्रा के दौरान, पैदल मार्ग के लिए रोपवे के लिए कोई दिक्कत नहीं है। और चंडी देवी की जो रोपवे है वो बंद है, 27 तारीख को वो ओपन हो जाएगी, यानी आज से ओपन हो जाएगी ऐसा कहा जा रहा है। आप सबसे एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे चैनल में नहीं हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। इंस्टाग्राम की आईडी भी आपको हमारे चैनल में मिल जाएगा। आपको किसी पर अगर कोई मदद चाहिए तो आप हमारे पर्सनल नंबर पर भी जुड़ सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आपको किसी पर कोई दिक्कत हरिद्वार यात्रा के दौरान ना हो। आज बारिश नहीं हुआ है, कल बारिश हुई थी काफ़ी तेज, और उसके बाद थोड़ा सा जलभराव भी हो चुका था, लेकिन जो परसों का जो दृश्य है वो काफ़ी ज़्यादा डरा देने वाली थी। अच्छा, हमने वीडियो अपलोड कर रखा है क्योंकि जल की गति काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। ऐसे हरिद्वार हर की पैड़ी में जल का जो गति है वो नॉर्मल ही देखने को मिलता है, इसके वजह से ही यहाँ पे जल को पूरी तरह से कम कर दिया गया था, आपने देखा होगा वीडियो। लेकिन आज जो आप दृश्य देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जल की जो धारा है वो काफ़ी अच्छी है, और यहाँ पे कांवड़ यात्री भी लगातार आ रहे हैं, तो किसी पर कोई दिक्कत नहीं है हरिद्वार की यात्रा में, ऋषिकेश की यात्रा में। अगर आप पहाड़ों की यात्रा करते हैं तो बारिश की वजह से थोड़ी परेशानी हो सकती है, मौसम को ध्यान रख के आप ऊपर पहाड़ों का यात्रा करें। ये आप देख रहे हैं गंगा जी की धारा कितनी तेज है, और धारा में काफ़ी सारी चीज़ें बहके भी आ रहे हैं, जैसे लकड़ी और भी काफ़ी चीज़ें। यहाँ से आपको स्पष्ट दिखाई देगा मनसा देवी की रोपवे का जो मार्ग है, और यहाँ पे पैदल मार्ग का भी जैसे आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए हैं, सेल्फी पॉइंट है, यात्रा के दौरान जब कुछ लोग यहाँ पे आके सेल्फी लेते हैं, यहाँ से हर की पैड़ी का दृश्य काफ़ी अच्छा दिखाई देता है पैदल मार्ग में। ये आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छा दृश्य है, तो पैदल मार्ग के लिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लैंडस्लाइड हुआ था लेकिन अब वो मार्ग आप प्रॉपर तरीके से खुल चुका है, और अगर आपको वाल्मीकि चौक से भी जाना है तो आप वहाँ से भी जा सकते हैं, वो मार्ग तो बिल्कुल सेफ है। होटल धर्मशाला की जो वीडियो है हमने ऑलरेडी बना रखा है, काफ़ी सारे जो हर की पैड़ी के पास है, और हर की पैड़ी से और दूर भी है, और भीमगोड़ा का भी हमने वीडियो बना रखा है, तो आप जाके जरूर देखें, और आने से पहले आप बुकिंग करें। ऐसे आपको बुकिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ रहा है क्योंकि आप देख रहे हैं लाइव दृश्य रस काफ़ी कम हो चुका है, श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी कम है, लेकिन कल का वीडियो आपने देखा होगा, कल भी श्रद्धालुओं की संख्या ठीक ठाक थी, आज भी काफ़ी अच्छा है श्रद्धालुओं की संख्या, रौनक आज भी दिखाई दे रहा, देख रहे हैं। ये है शिव घाट, और शिव घाट से हम जा रहे हैं सीधे हर की पैड़ी। शिव घाट से हर की पैड़ी जाने का काफ़ी सारे फायदे हैं, एक तो आप अगर अपनी कार से आते हैं, बाइक से आते हैं, तो आपको पार्किंग की सुविधा मिल जाता है, और यहाँ से जाने के लिए आपको काफ़ी कम टाइम लगेगा, भीड़ यहाँ से नहीं होती, और साथ में कई बार ऐसा होता है जब आप आएंगे अपर रोड मार्केट से तो वहाँ पर भीड़ होते ही
कोतवाली चौक जहाँ पे पोस्ट ऑफिस चौक भी कहते हैं वहाँ से रास्ता बंद कर देते हैं, तो पैदल यात्री को आने देते हैं। ये आप देख रहे हैं आज बारिश नहीं हुई है, सूखा सूखा सा दिखाई दे रहा है। कल बारिश हुआ था और परसों काफ़ी तेज़ धूप था, तो कभी बारिश तो कभी तेज़ धूप, ये दृश्य देखने को मिल रहा है हरिद्वार में। बाकी आपको हमारे चैनल के माध्यम से लाइव वीडियो मिलती रहेगी। जल की धारा आप देख रही हैं कितनी ज़्यादा है यहाँ पे। ऐसे जल की धारा पूरी तरह से कंट्रोल में होता है, ऐसे हम इस बार को 2 से 3 बार इस वीडियो में कह चुके हैं, क्योंकि आप सब का यही डर रहता है कि यहाँ पे बाढ़ का कोई दृश्य तो नहीं है। बाढ़ का कोई दृश्य नहीं बनेगा हर की पैड़ी के लिए। अगर थोड़ा बहुत जल की गति तेज भी होती तो वो नील धारा से होके उसे कन्वर्ट किया जाएगा, क्योंकि पूरे जल का कंट्रोल बैराज से किया जाता है हरिद्वार का। और ऋषिकेश में भी ऐसे बैराज बना हुआ, तो हरिद्वार ऋषिकेश में किसी किसी बारे कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। हर गंगे नमामि गंगे।